नमस्कार दोस्तों, मोनेटिकल फैमिली में आप सबका बहुत ही स्वागत है। आज इस वीडियो में हम थ्री फेस मोटर सिंगल फेस से कैसे चलाई जाती है वो देखेंगे, और क्या इस तरीके से मोटर चलाना सही है कि नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों मेरे पास अभी टू पोल की एमसीबी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने फोर पोल की एमसीबी ली है। ये फोर पोल की एमसीबी में से फेस और न्यूट्रल निकाल के, ये देखिए न्यूट्रल मैंने मोटर को डायरेक्ट दे दिया है, और जो ये फेस है उसको मोटर के एक टर्मिनल पे मैंने ये फेस दे दिया है, और उसमें एक लिंक मार के इस कैपेसिटर को दिया है, और ये कैपेसिटर का दूसरा जो टर्मिनल है वो मोटर के दूसरे टर्मिनल में दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको सिंगल फेस वोल्टेज दिखा देता हूँ। पहले हम सिंगल फेस वोल्टेज कितने आ रहे हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फेस और न्यूट्रल के बीच में 240 वोल्टेज आ रहे हैं। तो अब हम एक बार मोटर को चालू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि अब हमारी मोटर चालू होगी कि नहीं। तो हम मोटर को चालू करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मोटर हमारी स्टार्ट हो गई है। अब ये मोटर स्टार्ट कैसे हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम मोटर के दो टर्मिनल के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो मैं थोड़ी देर मोटर बंद कर देता हूँ। वोल्टेज चेक करने से हमें मोटर घूमने की वजह भी मालूम पड़ जाएगी। तो हम ये वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मोटर को ऑन कर देता हूँ। ये मोटर फिर से मैंने स्टार्ट कर दी। अब ये दो टर्मिनल के मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, दो टर्मिनल के बीच में 360 वोल्टेज आ रहे हैं। दोस्तों मोटर को एक फेस डायरेक्ट और दूसरा फेस कैपेसिटर थ्रू मिल रहा है, यानी मोटर को दो फेस मिल रहे हैं, और इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, और इसीलिए मोटर घूम रही है। अब हम ये मोटर कितने एम्पे ले रही है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मोटर 5 के करीब एम्पे ले रही है। तो मैं इस मोटर की आपको FLC भी दिखा देता हूँ, फुल लोड करंट। ये मोटर की FLC ये देखिए 3.3 है, यानी कि ये मोटर जो उसकी FLC है उससे ज़्यादा एम्पे ले रही है। ये तो हमने 3 HP की स्टार मोटर चालू करके देखी। अब हम 5 HP वाली डेल्टा मोटर को भी सिंगल फेस सप्लाई देके चालू करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसा कनेक्शन हमने स्टार मोटर में किया था वैसा ही कनेक्शन हम ये डेल्टा मोटर में भी कर दिया है। ये देखिए मैंने फेस और न्यूट्रल उसी तरीके से दे दिया है। ठीक है, अब हम ये मोटर चालू करके देखेंगे कि ये मोटर चालू होती है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मोटर चालू नहीं हो रही है। ये चालू न होने की मैं आपको वजह बता देता हूँ। मोटर के डेल्टा कनेक्शन में मोटर की एक वाइंडिंग को दो फेस मिलेंगे तभी मोटर घूमेगी, लेकिन हमारे पास सिंगल फेस सप्लाई है इसीलिए ये मुमकिन नहीं है। अब हम स्टार कनेक्शन करके मोटर को सप्लाई दे के देखेंगे। ये देखिए, मोटर के डेल्टा कनेक्शन को निकाल के स्टार कनेक्शन कर दिया है, और जो सप्लाई था उसको वैसा ही रखा है। तो अब हम ये मोटर को चालू करके देखेंगे कि ये मोटर घूमती है या नहीं घूमती है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मोटर एकदम से घूमने लगी है। जैसे ही हमने ये MCB चालू की, ये मोटर घूमने लगी है। वो जो हमारी डेल्टा मोटर थी उसके हमने स्टार कनेक्शन कर दिए, तो ये मोटर आसानी से घूमने लगी। ठीक है, तो अब हम ये MCB के और ये जो हमारे दो टर्मिनल हैं उसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये फिर से मैं मोटर एक बार चालू करके देखूंगा। ठीक है, ये मोटर हमारी चालू हो गई, और जो हमारे MCB के वोल्टेज है वो 240 वोल्टेज है। नीचे भी हमारे 240 वोल्टेज है। ठीक है, अब दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, दो टर्मिनल के बीच में 360 वोल्टेज आ रहे हैं, और ये हमारी मोटर घूम पा रही है। ठीक है दोस्तों, हमें ये तो मालूम पड़ गया कि किसी भी थ्री फेस मोटर को कैपेसिटर की मदद से सिंगल फेस सप्लाई देके चालू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से मोटर नो लोड में भी अपनी FLC से ज़्यादा एम्पियर लेती है। तो लोड में मोटर के एम्पियर FLC से 3 गुना ज़्यादा हो जाएंगे, इसी वजह से मोटर की वाइंडिंग कुछ घंटों में जल सकती है। तो किसी भी इमरजेंसी में थ्री फेस मोटर को सिंगल फेस सप्लाई से चालू करना सही नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आपका कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट कर दीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी मोनेटिकल फैमिली को सब्सक्राइब कर दीजिए।
आपका दिन बहुत ही शुभ रहे।